অসমত উপস্থিত উপভোক্তা খাদ্য আৰু সার্বজনীন বিতৰণ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰাও চাহেব পাটিল দানভে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰেডিছন ব্লু হোটেলত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে প্ৰতিমাহে অসমত 1.4 লাখ মেট্ৰিক টন খাদ্য বিতৰণ কৰা হয় বুলি সংবাদমেলত মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। और उस जनसंख्या के लिए हम असम की जनसंख्या जो है वो तो देश के लगभग 2.58% का हिस्सा है, लेकिन यहां पर हमको हर महीने को 1,40,000 मीट्रिक टन राइस लगता है और 6,000 मीट्रिक टन लगभग वीट लगता है, घेव लगता है। उसके लिए कोई प्रॉब्लम है क्या? जब हमने देखा तो हर महीने हर 3 महीने के क्वार्टर को जितना लगता है उतना रख रखाव करने की व्यवस्था सरकार के पास है और लगभग 4 लाख मेट्रिक टन हम अनाज यहाँ देते हैं और इसलिए यहाँ पर ये कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हम जो भी देखते हैं उसमें मैं भी सही ढीट करके आए गढ़ों में, रख रखाव की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी हुई है, उसमें कोई मुझे शिकायत नहीं मिली। लेकिन और भी यहाँ गोडाउन बनाने की जरूरत है, गोडाउन की कमी है, गोडाउन बनाने की जरूरत है। और FCI जो हमारा डिपार्टमेंट है इसके तरफ से आसाम स्टेट में या सभी जो 7 स्टेट है पूर्वोत्तर राज्य के उसमें गोडाउन बनने की हम आगे चल के पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आज ऑफिसर से चर्चा भी की है, राज्य सरकार से भी, मैं कल मुख्यमंत्री से मिलकर उनसे भी विनती की कि अगर हमें यहाँ गोडाउन बनाना है तो उसके लिए जगह देना बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में देश भर में 81 करोड़ लोगों को हम 2 रुपए किलो का चावल गेहूं और 3 रुपए किलो का चावल दे रहे हैं और हमारे पास भरपूर गेहूं और चावल है, उसकी कोई कमी नहीं है। 125 करोड़ अपनी जनसंख्या है, उसमें से 81 करोड़ लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है और ये अनाज हम उन लोगों को तक सप्लाई कर रहे हैं, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो का चावल। जैसे चावल और गेहूं हमारे पास स्टॉक 1.5 गुना स्टॉक है, वैसे ही चीनी के मामले में भी है। असम में तो चीनी है नहीं, लेकिन मैं महाराष्ट्र से आता हूं, सबसे ज्यादा चीनी ये उत्तर प्रदेश से और बाद में महाराष्ट्र में, नंबर एक उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र चीनी का उत्पादन ज्यादा होता है। आज के तारीख में अगर चीनी की स्थिति देखे तो अपने पास जितनी चीनी अपने को लगती है पर पर्सन 15 kg चीनी अपने को लगती है और 2,60,000 मीट्रिक टन अपना कोटा होता है हर साल का, तो 130 लाख मीट्रिक टन चीनी आज अपने पास सरप्लस है। और फिर सीजन आया है, वही प्याज का भी है, प्याज अपने पास इस साल 238 लाख मीट्रिक टन प्याज का प्याज की पैदावार हुई थी और अपने को हर महीने में 1,214 लाख मीट्रिक टन प्याज लगता है और पूरे साल का तो 168 लाख मीट्रिक टन प्याज अपने को लगता है। मतलब अपने पास प्याज भी ज्यादा है, गेहूं भी ज्यादा है, चावल भी ज्यादा है और चीनी भी ज्यादा है। 2014 के बाद जब से मोदी जी की सरकार आई तो उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, प्याज ज्यादा था इसलिए भाव गिरे थे और किसान इससे परेशान था, तो गवर्नमेंट ने 10% सब्सिडी देके बाहर कांदा भेजने की व्यवस्था की, लेकिन कांदा फिर भी जाने लगा, फिर 5% भी लाया और देश में कमी नहीं होने के कारण उसमें अभी सब्सिडी हमने खत्म कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो खाद्यान्न डिपार्टमेंट है उसमें अनाज की कोई कमी नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य में जिस बातों की कमी होगी
उस बातों को आगे चल के हम पूरा करेंगे। और मोदी जी का जो सपना है कि पूर्वोत्तर राज्य में जाओ अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में देखो, वो पूरा करने की कोशिश हम आगे चल के करने वाले। खानदान खैकिया रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट नाउ।